Hello friends, this is Sangam Euphoria and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video, I'm going to talk about sucralose suspension. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहां पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है सुक्रालोज सस्पेंशन। फ्रेंड्स सुक्रालोज सस्पेंशन एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। अब जाहिर सी बात है प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन को पहले समझ लेते हैं। फ्रेंड्स प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कि जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे प्रेस्क्रिप्शन पर, तब तक कोई भी मेडिकल शॉप वाला आपको यह दवा नहीं देगा। फ्रेंड्स यह मेडिसिन अल्सर प्रोटेक्टेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है इस वर्ड का इस्तेमाल किया अल्सर प्रोटेक्टेंट्स, तो आप पूछोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्सर प्रोटेक्टेंट्स। देखो अब जरा समझना, ध्यान से जरा समझना। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है, और अल्सर मतलब होता है घाव। जो घाव से रक्षा करने का काम करे उसे अल्सर प्रोटेक्टेंट्स कहते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहे कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको हर एक चीज़ों को समझाऊंगा इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। ये सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को स्ट्रासनबर्ग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय स्ट्रासनबर्ग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स इसका एक बोतल 200 ml की आती है जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 200 रुपये के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, पहला है सुक्रालफेट और दूसरा है ऑक्सीटाकिन। ऑक्सीटाकिन या ऑक्सीटाकिन भी बोलते हैं या काइन भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर स्टोमक से जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका पहला यूसेज है एसिडिटी को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर गैस्ट्राइटिस, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस बबल गैस बन रहा तो उसको भी ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं पेप्टिक अल्सर या स्टोमक अल्सर, अगर आंत में किसी प्रकार का घाव हो गया हो, सूजन हो गया हो, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रहा, तो उसको भी ठीक करने का इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं पेन अपडोमिन, अगर पेट में ज़्यादा दर्द है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं हार्ट बर्न, ये अगर दिल जल रहा है जैसे बहुत हार्ट बर्न या छाती जल रहा है तो उसको भी ठीक, वो गैस के कारण नहीं होता, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर कहते हैं एसिड रिफ्लक्स कहने का मतलब होता है जैसे ही HCl ज़्यादा बनने लगता तो वो क्या होता है ऊपर की ओर आने लगता है, गला उला सब जलने लगा, आपको ऐसा फील आएगा, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स एसिड रिफ्लक्स को ही दूसरे शब्दों में GERD लोग बोलते हैं, गैस्ट्रो इजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जिसको बोलते हैं, उसमें भी सेम चीज़ें होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स सिंपल ये समझो कि स्टोमक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ कंट्राइंडिकेशन है। एंड विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप ना दें। तो फ्रेंड्स इसका नंबर वन कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आप नहीं दें। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान करे तो उसको भी आपको नहीं देना, इस बात को याद रखिएगा। फिर कहते हैं लीवर डिजीज, अगर आप लीवर डिजीज से सफर करते हैं आप अपने डॉक्टर को जरूर बताइए। लीवर डिजीज में क्या होता है कि डॉक्टर आपको सुटेबल डोज एडवाइज करें कि आपको कितना देना है कितना नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके तीन कंट्राइंडिकेशन होते हैं, और इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन दिखे तो आप उस पेशेंट को एडमिनिस्टर ना करें और अपने डॉक्टर से एडवाइस ले, अपने एक्सपर्टीज से एडवाइस ले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका साइड इफेक्ट्स में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स है और इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, चलिए उस बारे में बात करते हैं। नंबर वन है नोजिया एंड वोमिटिंग, पहले आपको क्या जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं इंसोमेनिया, आपको क्या होगा इंसोमेनिया मतलब नींद नहीं आएगा रात में। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपको चक्कर आएगा। फिर कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, आप कब्जियत होगा, आपका पेट सही नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसके जगह वो दूसरा मेडिसिन आपको रिकमेंड कर सके या प्रिस्क्राइब कर सके। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके
डोज के बारे में, किसका डोज क्या होता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जो 18 प्लस है। फ्रेंड्स 10 ml into BD या TDS भी आप चला सकते हो। उससे कोई दिक्कत, अगर ज़्यादा परेशानी है तो TDS करेंगे, ज़्यादा परेशानी है तो BD कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको समझ आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सुक्रालोज सस्पेंशन क्या होता है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और क्या इसका डोज होता है, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगा और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।